दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं तो घूमने जा रहा हूँ भ्रमण पे। हाँ तो भाई कैसे हो? आज एक नया दिन, नई शुरुआत, फिर से अपन जोमैटो। लेकिन आज 12 बजे से रात 10 बजे तक मेरे पास पूरी शिफ्ट है, जो कि 10 घंटे का काम रहता है। तो वो जो अर्निंग एस्टीमेट है आपको दिखा दे रहे हैं कि जोमैटो अर्निंग एस्टीमेट क्या ही दिखा रही है अपना, कि 10 घंटे अगर आज काम करते तो कितना रुपये मिलता है, मतलब उसके अनुमानित कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा मतलब उसके हिसाब से क्या हो सकता है। तो अभी दिखा दे रहा हूँ आपको गिग में जा करके। गिग वाला सेक्शन खुलते ही पता नहीं क्यों ही लेट, चलो दोबारा से ओपन करते हैं, बड़ा कभी कभी टाइम हो जाता है, खुल नहीं रहा यार। देखो चलो इधर ही दिखा रहे हैं आपको डायरेक्ट। हाँ ये गिग है, इसकी जो एस्टीमेट अर्निंग यार देखो, हाँ देखो 480 से लेकर 750 रुपये तक हो पाएगी, दिख रहा है आपको? ठीक है, कल 680 से लेके 1030 तक। देखो मेरे 7, 8, 9 बुक है, 10 को नहीं बुक है, 11 को बुक, 10 को बता रहा हूँ, 10 को इसलिए नहीं बुक है भाई, 10 को है बर्थडे हमारा, तो हो सकता है कि काम करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे, हाफ डे काम करके निकल जाएंगे घर पर। घर पे थोड़ा पूजा वूजा होती है यार, थोड़ा तिलक विलक कराया जाता है, तो इसलिए अपना फटाफट से काम करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं, आज सुबह पानी नहीं भरा हुआ, देख लो मौसम पूरा सूखा हुआ है, जितना पानी भरा था हमारी समझ सब सूख गया होगा, क्योंकि कल का देखा ना वीडियो भाई मेरी हाल ख़राब हो गई, तो करंट अरंट आता तो काम लगना तय था। चलो देखते हैं आज क्या ही होता है। ठीक है, आज बताते हैं पूरी अर्निंग क्या ही होने वाला। ठीक है, बने रहना पूरी वीडियो एंड तक देखा करो भाई, लाइक जरूर पेल दिया करो, इससे वीडियो आपको अगर हम अपलोड करेंगे तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो देखो ऑर्डर भी मेरा शायद आ ही गया, दिखा रहे आपको मेरा पहला कोई से तो ऑर्डर आया है, ये चाहत बिरयानी से ऑर्डर है, कितने रुपये का? 35 यानी कि 2.5 किलोमीटर के अराउंड है, और ये पूरा लगभग लगभग हमको लग रहा है कि 29 रुपये का, हाँ 29 ही रुपये का है, तो 29 रुपये 53 पैसे का ऑर्डर है। चलो चलते फटाफट, चाहत है, अभी धूप है, अभी तो नहीं कुछ बता पाएंगे क्योंकि अभी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, जैसे ही अगर धूप कम होती तो फिर आपको इन्फॉर्म करता है, आपके साथ में फिर ऑर्डर करते हैं। ठीक है, बने रहना। ये आपको दिखाते हैं एक नई चीज़, आपने रेस्टोरेंट तो बहुत ही देखे होंगे, ये जो रेस्टोरेंट दिखाने जा रहे हैं इसका कुछ नाम ही यूनिक है, आप पढ़ोगे तो आप भी लड़खड़ाओगे एक आध बार। ठीक है, नाम पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है नाम? ठीक है, तो यहीं से ऑर्डर मेरा लगा हुआ है, अभी कमेंट करना अगर सही से, एक बार अगर आपने मतलब मन में भी प्रोनाउन सही से कर लिया होगा ना तो बताना भाई जरूर। ठीक है, बाकी ऑर्डर यहीं से लगा हुआ, देखते कितनी देर में मिलता है, बने रहो। ये निकल रहे हैं भाई गरम गरम। ठीक है, देखो भाई हालत कैसी हो गई है भाई, अभी भी जस्ट मतलब पूड़ी खाई है, आपको पीछे दिख रहा होगा, अभी दिखा रहे हैं ये हालत मेरी कैसे हुई है। और ये देखो भाई मोतीलाल कचौड़ी भंडार है भाई, मेरी वन ऑफ दी समझ लो फेवरेट है भाई, यहाँ की कचौड़ी अलग ही लेवल पे है भाई, मज़ा आ गया। ठीक है, कभी आओ तो उधर मोतीलाल कचौड़ी भंडार तरफ जरूर आओ, ट्राई करके देखना, मज़ा ना आए तब बताना। ठीक है, जान दे देंगे इसके लिए। भैया जी आ गया ऑर्डर, ऑर्डर आया है 7 किलोमीटर का, 73 रुपये, वही लखनऊ किचन से जहाँ से बात कर रहे थे, तो इनका 7 किलोमीटर पता है कहाँ? देखो ऑर्डर बज रहा है फिर भी हम बता दे रहे हैं, ये इंटीग्रल हो सकता है और कोई भी नहीं, क्योंकि तो उधर ही बेचते हैं। चल के आपको दिखा रहे, देखो फर्जी का विज्ञापन आया करता है, चलो चल के दिखाते हैं आपको, वही लखनऊ किचन से ऑर्डर आया ना, तो अपन ऊपर ही से निकल चलते हैं, जब ऊपर खड़े हैं तो क्या ही उधर उधर जाते हैं। ठीक है भाई, अरे बैठे भी रिक्शा भाई, अरे सर जी जरा सा बढ़ा लीजिए, बस भाई प्यार से बात करनी है हमारे साथ, इनके ऊपर कभी कभी बुद्धि आउट होती है ढंग से, क्योंकि ये एकदम से मतलब यू टर्न एकदम से मतलब जलेबी बना देते हैं अपने रिक्शे को, तो वो जलेबी में कोई फंस गया ना तो उसकी चाशनी निकलना तय है समझ लो। क्या बोला तूने? ऑर्डर देखो बोरी भर के रखे हुए हैं, एक मिनट चेक कर ले, रेडी होगा तो रोक देंगे, नहीं तो फिर उधर ही खड़ी कर ले रहे, एक मिनट चेक देख ले, बस रेडी होगा हम खुद उधर चले जाएंगे, रेडी है देखो, है रेडी है, देखो आज यहाँ पे गाड़ी नहीं लगाने दे रहे। ला भैया 37.04 ये हो सकता है, नहीं थाली है, थाली ये होगा, देखे कहाँ जाना है। धन्यवाद भैया, अच्छा एल्डिको सिटी, चलो एल्डिको सिटी चलना है तो फटाफट से एल्डिको सिटी में ऑर्डर हो गया बैग में एकदम फिट। हाँ भैया
क्या सोच रहे हो? कंटिन्यू चलता रहता है। हाँ भैया कंटिन्यू नहीं, जब भी काम करते हैं। अभी बिल्कुल ओपन करा भाई, आपकी मेहरबानी है। काम कैसा हो रहा? काम कैसा हो रहा? यूपी 27 सजापुर। अरे वाह, तभी तुमने लूट लिया कंपनी को। कुछ मजाक लड़का है, हंस रहा है। देखो भाई, तुम्हारे भाई की निगाह कितनी तेज, अभी दिखाते क्या पाए। तुम्हारा भाई किसी से कम नहीं है, समझे भैया? देखा आप लोगों ने कि नहीं, गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और तुम्हारा भाई देखो पहली बार तो एल्डिको सिटी आ गया, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इजी विजिबल हो रहा होगा। अरे यार गलत इंडिकेटर कर दिया, चलो कोई नहीं, ये एल्डिको सिटी ठीक है। तुम्हारा भाई देखो 50 रुपए की नोट पाया, नोट 50 रुपए की, समझ रहे हो? ये रोड पे पड़ी हुई मूर्ति। चलो पहले एंट्री करा दे इनको। एंट्री कर लो भैया। नाम चेतन है, चेतन। ये बड़ा फड़फड़ा रहा है। 610 नंबर में जाना भैया, 610 नंबर में लिख लो। मोबाइल नंबर बताएं भैया। 610 आई थिंक होना तो चाहिए, 610 यहीं पे, क्योंकि लोकेशन आपकी यहाँ तक आई है, तो फिर 606 वगैरह सब है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक। इधर है, ये है आपका। ओके ओके ओके, ठीक, मैंने देख लिया। तो भाई ये लीजिए भाई, शुक्रिया। हाँ भाई, चलो भाई, ऑर्डर दे दिया कस्टमर को, उसको डिलीवर करते, ठीक है। देखते कितना पे आउट दिया कंपनी ने, लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न बोनस का करके 82 रुपीज़, 7.8 किलोमीटर के पैसे तो ठीक हैं, लेकिन आपको अर्निंग दिखा देते इसी के साथ साथ। देख लो भाई, अर्निंग कैसी करी तुम्हारे भाई ने, 8.8 आवर्स में 900 रुपये का काम हो गया ऑलमोस्ट, और टाइम देख लो 8:50 हो रहा है, यानी कि इतने ही घंटे हुए हैं समझ लो, ठीक है। इतने घंटे में, 9 घंटे में समझ लो 900 रुपये का काम हुआ। तो अभी 1 घंटा बचा हुआ, देखते हैं 1 घंटे में क्या ही हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर जब लगता है तब मिलते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, इस तरीके से अगर बनाएंगे, ठीक है। आया भैया, आया, गो टू होम पे ऑर्डर आया, देखो कोई उल्टा सीधा ऑर्डर ना हो ना। फूड पैराडाइज सही, चलो तो बगल में ही है, ये दो कंफर्म करा, वहीं से रीच भी हो जाएगा शायद। कहाँ जाना है? जानकीपुरम को ही शायद, ये जानकीपुरम का तो आ गया ऑर्डर। देखो वाटरप्रूफ लाइटें बेच रहे हैं, जो फूड पैराडाइज है, तो फूड पैराडाइज आपको दिखा रहे कहाँ पर है, मतलब जहाँ पे अपन का ऑर्डर आया, ये है फूड पैराडाइज। ये देख लो भाई, ये फूड पैराडाइज है, ठीक है, ये दिख रहा है इजी। तो अपन गाड़ी यहीं पे पार्क करेंगे और यही इनकी पार्किंग है छोटी मोटी। और मशरूम मसाला बनवाने का टाइम नहीं लगेगा इनको, बोलना पड़ता है ना, तब जाके ये बनाएंगे ढंग से, वरना तो अभी टाइम लगेगा। 12 मिनट दिखा रहा, तो ये 12 मिनट से ज़्यादा खा भी जाएंगे, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं रहता कि ऑर्डर आया है कि नहीं आया। देखते हैं चल के, सीधे यहाँ पर खुला है एकदम सिस्टम सारा। तो भैया एक मशरूम मसाले वाला भी ऑर्डर है भाई, ला भैया दे दो, रेडी मार दो, दे दो। हाँ रेडी कर दो, तभी पिकअप होगा भैया। हाँ कब हो जाएगा देखो इसका।
अरे यार पिकअप हो गया भैया, आउट साइड कहाँ जाना है यार? ये देखो विज्ञापन यार, दुखी करे रहता है इसकी टांग। खुल जा, ये दो सिटी कहाँ जाना है एक बार चेक कर लें। आकांक्षा मैडम वाले चौराहे पे जाना है, तिकोनी पार्क मड़ियाओं गांव। ठीक है समझ गया मैं, अब चलते सीधे फटाफट वहीं मिलते आपसे, ठीक है लोकेशन पे ही। इसका आई थिंक 39 रुपये मिला है ना, तो अपन किधर से जाएंगे ये कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा। चलो धीरे से निकलने का अंदर से, ठीक है अब आपसे वहीं मिलते हैं लोकेशन पे। ठीक है बड़ी, ठीक है गो टू होम ने शायद काम करा या इन्होंने अपने मर्जी से काम करा, ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ये वाला भी ऑर्डर आपके ही साथ डिलीवर कर लेते हैं, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं फटाफट से, ठीक है जल्दी से पहुंच। कस्टमर जी, अब यार चेंज का मसला रहेगा मैम। 118 हुआ आपका? 118 ऑनलाइन कर देंगे? हाँ हाँ तो सही है, वो सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। इसको आप पे कर दीजिए क्यूआर को। हाँ हो गया, शुक्रिया मैम। ओके चलो भाई, ये वाला ऑर्डर जो है डिलीवर्ड कर दिया, मतलब डिलीवर्ड हो गया ऑलमोस्ट। अभी दिखा रहे हैं कि अपन ने कितनी गाड़ी चलाई, 3.6 किलोमीटर के 43 रुपये। भाई बहुत ही सेक्सी है पैसे तो, इस टाइम के पैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, देख रहे हो भाई आप। अभी भाई यहाँ पे लगा हुआ गो टू होम जो ये जानकीपुरम है, तो इसको हटाएं, अपन यहाँ पे लगाते हैं अलीगंज का, क्योंकि यहाँ से लगाएगा तो फिर पता नहीं कोई भी खींच सकता है। ठीक है तो अपन देखते हैं कौन खींचता है यहाँ से, अपन होल्ड करते हैं। अभी टाइम कितना हुआ, 15 मिनट, मतलब 9:15। तो इस ऑर्डर में कितना टाइम लगा ये भी चेक कर ले रहे फटाफट से। इस ऑर्डर में टोटल टाइम एक सेकंड, 9:04 पे ऑर्डर आया था, 9:04 से 14 यानी 10 मिनट लगा इस ऑर्डर में, तो सही है भाई 10 मिनट लगा, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। 946 रुपये की अर्निंग हो गई, क्या 1000 हो पाएगी आप बताओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर आता तो आपको इन्फॉर्म करते हैं फटाफट से। 2000 years later। ये देखो भाई ब्रेजा है, ब्रेजा मजबूत गाड़ी है कि नहीं, अब ठुके तब मालूम चले हमको मजबूत है कि नहीं। मार दे कोई, मार 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 कोई, हम थोड़ा दूर हो जाए, देखो एक आठ ठोकर पड़े तो मालूम चले ब्रेजा मजबूत है कि नहीं। देखने में तो मजबूत लग रही है, आप लोग बताओ मजबूत हो सकती है? हमें लगता है मजबूत देख नहीं पाएंगे हम लोग मजबूती। ठीक है लो भाई ऑर्डर बच गया, ऑर्डर बच गया, देखो ब्रेजा को देखते देखते ऑर्डर बच गया। ये भाई लापिनोस पिज्ज़ा है, 8 किलोमीटर का है, 75 रुपये अभी दिखा रहा है। तो लापिनोस पिज्ज़ा वो सामने ही है, अभी ऑर्डर रेडी नहीं, जाना कहाँ पे मैम यार मुबारक हो। चलो ये ठीक है, इसी ऑर्डर को देख के आई डी बन, ठीक है हम इतने में तुम हवा यहाँ मोड़ लेते चचा चौधरी, इतने में तुम मार मार ब्रेजा नहीं मोड़ पा रहे हो। देख रहे भाई, देखो भाई साहब अभी एक ब्रेजा मोड़ नहीं पाई, दूसरी ब्रेजा सब आ गया। ब्रेजा सब मोड़ने के लिए बनी है क्या? सारी ब्रेजा बैक होने के लिए बनी है क्या? देखो भाई अपन आके लापिनोस पिज्जा है, बस इतनी दूरी पे थे सामने, देखो ये लापिनोस पिज्जा है इजी। अभी ऑर्डर रेडी नहीं है, अभी इसमें टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जब रेडी होगा तो बताते हैं आपको। ये देख रहे हो भाई फाइनली हो गया ऑर्डर ही मेरा रेडी, ठीक है ये लापिनोस पिज्जा। अभी ये लोग पता नहीं ऑर्डर देते हैं कि नहीं, अच्छा अभी देंगे नहीं, जाना पड़ेगा लेने। ब्रेजा
AI 0083 रेडी रखा है। हेलो 0083 पिकअप हो गया। 0083 ऑर्डर हो गया पिकअप भाई। चलो देखते हैं पुल वो लिखा हुआ, लेकिन अपन पुश करेंगे क्योंकि पुल के लिए चेयर रख रखी है इन लोगों ने। तो ठीक है फटाफट से मिलते हैं भाई आपसे वहीं कस्टमर लोकेशन में। 9:25 हो गया है और ये ऑर्डर डिलीवर करके बंद कर देंगे आईडी। ठीक है कोई ज़्यादा जरूरी नहीं हमारे लिए। अरे मैम आपका घर वो लास्ट है। ओ हो भाई ठीक है भाई कर रहे थे मतलब इतने बीच में सबसे लास्ट में घर आपका ही है। आज पहली बार आया ना थोड़ा सा डर सा लग रहा था। प्रॉब्लम होती है लोगों को। ठीक है शुक्रिया। आज मैं 4 साल से मतलब कर रहा हूँ काम, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इस लोकेशन पे आया हूँ। ठीक है मैम शुक्रिया बहुत बहुत। चलो भाई फाइनली ऑर्डर ये डिलीवर्ड करते हैं अपन, देखते कितने रुपए मिलते हैं अपन इसको। 79 मिले हैं 8 किलोमीटर के, टोटल टाइम 20 मिनट लगा था। सही है यार कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन के पास दो मतलब अभी तो बच रहे हैं 18 मिनट, लेकिन अपन काम नहीं करेंगे, अपन निकलेंगे घर। ठीक है बाकी बातें आपको चल के घर पे बताते हैं क्या ही होता है क्या नहीं होता। ठीक है हाँ भैया जी कैसे हो, आ गए घर पे एकदम खाना ना खा के एकदम फिट हो गए। पूरी वीडियो भी एडिट कर डाली हमने, केवल ये वाला जो पार्ट बचा है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको ले जाके सीधे वहीं पर ठोक देना, तो मतलब पूरी वीडियो हमारी एडिट होके निकल आएगी। ठीक है भाई अपन ने आज 10 घंटे काम करा, आपको अर्निंग दिखा दे रहे हैं। जो आपने अर्निंग देखी है वो अर्निंग नहीं, लास्ट में यार एक ऑर्डर गो टू होम पे जबरदस्ती लगा दिया था 50 रुपये का, तो वो भी कर लिया था, तो मेरी अर्निंग कुछ ज़्यादा बढ़ गई उस टाइम से। अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखो भाई 10 घंटे काम करा 1085 रुपये की अर्निंग हुई है, 22 ऑर्डर करे हैं। ठीक है जिसमें से 101 रुपये रेन और सर्ज मिला करके, यानी कि रेन का अगर देखें तो 80 रुपये रेन का है, बाकी 21 रुपये सर्ज चलता है, तो 1085 ये हो गया 1085 और प्लस 160 रुपये इंसेंटिव मैंने अचीव करा था, तो आई थिंक 1200-1250 रुपये की अर्निंग हो गई 10 घंटे में। तो भाई ठीक है बहुत ही ज़्यादा सही है, अपन बहुत ही इजी तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन सही रहा जो भी रहा सही रहा, अपने हिसाब से हो गई अर्निंग, ज़्यादा नहीं हुई, बस इसी तरीके से अर्निंग होती रही तो कोई दिक्कत नहीं भाई 10 घंटे में। अगर जो 12-12 घंटे करने वाले उनको लगभग 1400-1500 रुपये के करीब का काम बैठ जाएगा आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई अगर सही से काम करने वाला है तो, अगर कंपनी सही ऑर्डर देती है तो फिर तो। ठीक है भाई आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, मतलब कैसी लगी अर्निंग करने का तरीका, अगर कुछ पूछना चाहते हो कुछ बताना चाहते हो बिल्कुल भाई कमेंट करो, मैं सब एक एक कमेंट समझ लो रिप्लाई करता हूँ भाई। ठीक है कुछ भी पूछना है कुछ बताना है बताओ भाई। ठीक है मिलते हैं आपसे कल फिर, कल मेरी 12 से 10 बजे तक पूरी शिफ्ट कंप्लीट है, और इस चैनल का नामकरण हमने कर दिया है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक करोगे ना, मेरे चैनल में जाओ कम्युनिटी में जाओगे वहाँ पे देखना पोस्ट मैंने कर रखा है चैनल का नाम, अगर अच्छा लगे तो भाई वहाँ पे कमेंट करके बताना चैनल का नाम सही है कि नहीं। मैंने बैनर निकाल के वहाँ पे रख दिया है, 10 जुलाई को अपने चैनल का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है 100 में 100% चेंज कर देंगे। ठीक है भाई मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।